गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हां मिसबात, आई होप तुम जिथे भी होगे वधिया होगे, ठीक ठाक होगे, हमेशा खुश रहो, रब तार ते मेर कर रहे। ते आज दी जेड़ी साडी रिएक्शन वीडियो है, वो एक पंजाबी सॉन्ग ते है। सॉन्ग दा नेम है सुरमे ऑन तरीका ते, एंड सिंगर दा नेम है अर्जन टिल्लो। देखने हैं सॉन्ग इदा दा ते साडा की रिएक्शन हुंदा है, ते कर दियां वीडियो स्टार्ट। ते वीडियो स्टार्ट करन तो पहले साडी रिक्वेस्ट है, प्लीज साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन क्लिक कर लो, ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम तो टाइम मिलता रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो वाल, लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। एंड अगर किसी भी वीडियो का लिंक साड़े शेयर करना चाहते हो तो सानू इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। दुनिया दर्शन कर दी, गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हजे तो एक मिनट होया, बिल्कुल बिल्कुल कर दी, क्यों नहीं कर दी, दुनिया दर्शन कर दी। उस समय ने सेरा बनया होनी ने फड़ा है पल्ले, जग कौड़िया कबरू मौत व्याण चल गए। गाना बहुत ज्यादा कमाल दा, लिरिक्स बहुत ज्यादा कमाल दे। मशहूर ता हर कोई हो जांदा है, विरले नूं महान कहंदे। ओ हां जी, ऐदां ही शहीद हुंदे ने, सदियां तीक जवान रहंदे। वाह, रोंदे साथ पखंडी, सजावां कट के भी सिंह बंदी। बिल्कुल कर दी, दुनिया दर्शन कर दी। जिन्ना नूं सी नशे ही दस दे के बैरीगेट तक ते, जिन्ना नूं सी नशे ही दस दे के बैरीगेट तक ते, ओ दिल्ली जाम है करती। ओ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सोना बहुत सोना। दुनिया दर्शन कर दी, दुनिया दर्शन कर दी, बिल्कुल डटे है। गाना सुनिया सुरमे ऑन तरीका ते, जो कि बहुत ही ज्यादा कमालदार सी, बहुत खूबसूरत गाना सी। गाने दे लिरिक्स भी बहुत ज्यादा कमाल दे सी, ते आई होप कि जो तुसी भी सुनिया होएगा गाना, ते गाना बहुत ही सोहना लगा होएगा तुहानू भी सुन के। उन्होंने गाने विच दो तो तीन वाकयात भी बयान किए, एंड सुरमिया का जिक्र भी किया। तो वाकई कुछ ऐसे सुरमे ने जिन्हों का नाम सुन के या जिन्हों के बारे सुन के वाकई बहुत ज्यादा खुशी होंगी है, जिन्होंने पंजाब वास्ते बहुत कुर्बानियां दित्तियां, ते अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की। जिस तरह के अं जगतार सिंह हवाला की गल अगर करिए, तो वह एक ऐसे शख्स ने जिन्होंने अपनी जवानी की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपनी सारी जवानी अपनी कौम वास्ते अपने लोगों वास्ते कुर्बान करती। उन्होंने हक सच राह ते बोलिया, बहुत सारे उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिते। जिस तरह के उन्होंने जेल में रहते हुए एड्डी वड्डी सुरंग
खोदी के नसन तो कामयाब भी हो गए। तो होर भी उन्होंने बहुत सारे कारनामे ने, वह अज भी जिंदा ने, इंडियन जेल में ने। तो आई होप कि जिथे भी होना सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक होए। तो गौरमेंट कभी भी औलाद नहीं दिंदी, गौरमेंट कभी भी उन्होंने चुका सकी, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान तो सच्चे इंसान से, तो सच्चे इंसान को कभी भी कोई नहीं हिला सकता। तो जगतार सिंह हवारा की असं जिनी भी गल करिए, जिनी भी तारीफ की जाए, वह बहुत ही ज़्यादा घट है। दैन वाकई ही बिल्कुल जो भी वो तारीख से आते हैं या जो भी उन्होंने बारे से कोई गल की जाती है, तो जो लोग उन्होंने पसंद करते हैं या जो जिन्हों लोगों को पता है कि उन्होंने अपने लोगों वास्ते की कुर्बानियां दित्तियां, तो उन्होंने रिस्पैक्ट आके उन्होंने पिछे हमेशा खड़े होंगे ने, उन्होंने सपोर्ट करते हैं, उन्होंने देख आते हैं। तो यह बहुत ही एक वड्डी गल होती है। अगर असं शेर सिंह राणा की गल करिए, वह भी बहुत महान शख्स ने, बहुत बहादुर शख्स ने, उन्होंने भी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिते ने। जिस तरह कि उन्होंने अफगानिस्तान जाके पृथ्वीराज चौहान की जड़ियाँ हड्डियां से उन्होंने कढ़ के लिया के इंडिया में दफन किया, जो कि बहुत ही वड्डी गल है, बहुत वड्डा कारनामा सर अंजाम दिता उन्होंने। यह काम कोई भी नहीं कर सकता कि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करके उन्होंने हड्डियां लिया के इंडिया में दफनाइया जा। तो होर भी उन्होंने इस तरह के बहुत कारनामे सर अंजाम दिते ने, बहुत ज़्यादा सूरमे ने जिन्होंने अपने मुल्क वास्ते, अपने भरावों वास्ते बहुत सारिया कुर्बानियां दित्तियां ने, ते बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिते ने, जिन्होंने देखदिया होया उन्होंने रिस्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने एहतराम बहुत ज़्यादा है, उन्होंने प्यार बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत ही वड्डी गल हुंदी है, बहुत घट लोग हुंदे ने जो अपने मुल्क वास्ते कुछ करते हैं। एंड उन्होंने अपने गाने में जिक्र किया किसानों का, जो इस टाइम दिल्ली में अपने हक लिए बैठे हुए ने। पंजाबियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नैगेटिविटी फैलाई गई है कि पंजाबी जो लोग ने वह बहुत ज़्यादा शराब पीदी है, तो उन्होंने होश नहीं होंगी, उत्थे बहुत ज़्यादा गलत काम होंगे ने। तो आई थिंक कि इस टाइम जो दिल्ली में साढ़े नौजवान भैन भरा बैठे हुए ने, वो इस गल का जवाब ने कि अगर वह शराब पीती है तो वह इस तरह नहीं पीती कि उन्होंने अपने हक का पता ना हो या अपने हक लिए बोलने का पता ना हो। उन्होंने अज अस देख ही सकते हैं कि वह किन्ने टाइम तो उत्थे बैठे हुए हैं अपने हक वास्ते, मोदी के जो कुछ लोग उन्होंने कुछ टोए खोद के तो पंजाबियों को रोकने की कोशिश की कि वह उत्थे दिल्ली में ना पहुँच सकन, लेकिन उन्होंने यह नहीं पता कि वह पंजाबियों का पंगा लै रहे हैं। और हजे तो टोए खोद के पिछे भी नहीं हो कि पंजाबियों ने बुकां नाल टोया नूं पार दिता, तो उतों की लंघ के दिल्ली में इतने जाके उन्होंने डेरा लाया होया, पूरा दिल्ली उन्होंने ब्लॉक किया, पूरा दिल्ली उन्होंने मलिया होया है। तो उदों तक नहीं उतों उठन वाले जो तक उन्होंने हक नहीं उन्होंने मिल जाएगा। एंड सानू भी बहुत ज़्यादा वेट है कि उन्होंने हक उन्होंने जल्द तो जल्द मिले, ताकि वो अपने घर लौट जाए, हमेशा खुश रहन। बहुत सारिया गल्लां ने जो असं करना चाहते हैं, लेकिन टाइम इन्ना नहीं होंगे कि असं एक एक गल नूं एक्सप्लेन कर सकीए। एंड गाना बहुत ज़्यादा कमाल दा सी, एंड सुरमिया उत्ते सी, ते सुरमे ऐसे ऐसे ने कि जिन्हां बारे असीं सोच के भी साड़ी रूह कम जाती है कि इन्होंने इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिते होंगे। तो आई होप कि तुहानूं गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होएगा, नाल ही साडा रिएक्शन अच्छा लगा होएगा। तो अगर साडा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज वीडियो नूं लाइक शेयर कमेंट एंड सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।